राधे। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कल से आस्था में लाइव आएगा, साईं जी का दर्शन और सत्संग सुन रहे हैं। मैं वृंदावन से चला था उदयपुर कथा कहने के लिए, नारायण सेवा संस्थान में, तो मन में एक इच्छा थी कि नारायण सेवा संस्थान में कथा करने जा रहा हूं, अगर रास्ते में नारायण के दर्शन हो जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। आप यकीन मानना, मुझे नहीं मालूम था कि आपका यहां प्रोग्राम है। कल ही मेरी रात को कथा दिल्ली पूरी हुई, एयरपोर्ट से मैं आ रहा था, बस यहां मुड़ा, मैंने पुसाई जी का बोर्ड देखा, जो आयोजक मेरे साथ में थे, मैंने कहा कि कहाँ हो रहा भैया, मुझे ले चलो। और मैं पुसाई जी से आग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा, कल जो कथा प्रारंभ होने जा रही है नारायण सेवा संस्थान में भागवत की, उसका शोधघाटन अपने हाथों से पुसाई जी करें, जिसका दर्शन आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में होगा। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं कथा सुनने के लिए। मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से पुसाई जी के चरणों में वंदन करता हूं कि कल 3 बजे पधारकर उस श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम सत्र का आप विधिवत उसका उद्घाटन करें। आपकी तरफ से पुसाई जी के चरणों में वंदन करता हूं, और मुझे आशा है कि मेरा ये प्रेम का आग्रह, क्योंकि भैया हम तो ब्रजवासी हैं, किसी ने कहा भैया तुम कौन हो, एक ने कहा हम रसिक हैं, तो ब्रजवासी से पूछा तुम कौन हो, बोले हम फसिक हैं। बोले रसिक किसे कहते हैं, बोले फसिक किसे कहते हैं, बोले तुम बताओ रसिक कौन है। रसिक वो है, तमाम देवताओं का नाम लिया कि हम उनको नहीं जानते, उन देवता को नहीं जानते, हम तो केवल गोविंद को जानते हैं, इसलिए हम रसिक हैं। ब्रजवासी ने कहा भैया तुमको तो सबके नाम पता है, हमको तो गोविंद के अलावा किसी का नाम आता ही नहीं है। तो वही बात है, हम तो ब्रजवासी हैं, पूज्य साईं जी के चरणों वंदन करने के लिए आए हैं आप सबकी तरफ से, कि कल 3 बजे कथा नारायण सेवा संस्थान में प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी जो कथा आस्था से सीधी लाइव आएगी और पूज्य साईं जी उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और बार बार चरणों वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मुझ बालक पर बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता आपको, वो ये तो मैं ही अनुभव करता हूं या मेरे गोविंद जानते हैं, मैं तो सुदामा हूं इनके सामने, फिर भी बहुत कृपा अनुग्रह मुझ पर करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ चरणों वंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के लिए विश्राम करूंगा और आपसे क्षमा चाहूंगा। जय जय श्री। ए, मेरे को पकड़ने की बहुत समय से कोशिश में लगे हैं, कलकत्ता आना साईं जी, कानपुर में कथा है, फिर और कहीं, इनके तो चलते रहते हैं, लेकिन हमारे गरीब का अब तो आज यहाँ कहाँ कैसे, आखिर यहाँ क्या भगवान ने योग मिलाया है, मेरे को पकड़ लिया देखो, और निवास पे भी नहीं गए, एयरपोर्ट से बोर्ड देखा होगा, बोले ये तो यहीं पकड़ में आ जाएंगे, और कहीं तो आते। एक बार इनका कथा चल रही थी वृंदावन में, मेरा वहीं आसपास, तो गए तो लाखों करोड़ों लोगों ने आस्था में दर्शन किया, अरे बोले ये भागवत कथा हो रही है डॉक्टर संजीव कृष्ण जी की, इसमें, अरे देखो बापू जी दो छोरो दिखे ना, मैं नारायण साई आया, देखो ने, देखो ने। अरे ये अटे कटे आया है, देखो यार। और लोगों के फोन पे फोन, साई जी आप आस्था में दिखाई दे रहे हो, मैं कहा भगवान इनका प्रेम था। तो ऐसे हमारे, मैं तो, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम तो 9 क्लास पास हैं ज्यादातर, मैं फेलू। अरे आप तो पास है, मैं फेलू। तो यही प्रेम है सबसे ऊंची, प्रेम सगाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे खाए विदुर घर। विवेकानंद कहते थे सबसे निस्वार्थ निष्काम प्रेम,
जो कर सकता है, वो समझ लो कि उसने ईश्वर के तत्व का साक्षात्कार कर लिया। सब में उस रब को, परमात्मा को देखो, सब में उसको देखो, उसको सब में देखो। कल अब भीलवाड़ा का क्या होगा? भीलवाड़ा में एक लाइन में बापू के लिए गाना चाहूंगा, थोड़ा आवाज बढ़ाएं इसकी। कल भीलवाड़ा के सत्संग का क्या होगा? मैं आपकी तरफ से एक प्रार्थना करता हूं, हमारी सबकी लगन है कुछ साईं जी के प्रति, तो मैं प्रार्थना करता हूं, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। भीलवाड़ा का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ब्रजवासी इस आशा के साथ में आया हूं कम से कम मेरी लगन नहीं टूटे। भीलवाड़ा समिति को बोल दो खतरा है अब। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अब भीलवाड़ा का क्या होगा वो आप जाने, लेकिन मैं ब्रजवासी बालक प्रणाम करके जा रहा हूं, और भैया मेरी लाज आपके हाथ में है। जय जय श्री राधे।